आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्वी बैट बैटर क्यों होते हैं, स्ट्रेट बैट से टेप बॉल के बारे में, ठीक है। बैट स्पीड इंपॉर्टेंट क्यों होती है, स्टांस ऑफ द बैट्समैन डिपेंड करता है टारगेट के एरिया के ऊपर क्यों, कौन सा स्टांस आपके लिए ठीक है, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे टेनिस बॉल की टेक्निक्स के ऊपर, ठीक है। बहुत रिक्वेस्ट है बड़े लोगों ने कहा इनबॉक्स में, भाई टेनिस बॉल की टेक्निका दसो, टेनिस बॉल की टेक्निका दसो। मेरा काम है आपको बताना, ठीक है, बेसिक टेक्निक बताना, मेरा काम है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके अंदर माशाल्लाह टैलेंट ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना मेरा काम है। आपके जेन में कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो गया, आप बहुत अच्छा इंप्रोवाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपके यानी हिटिंग जोन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मजे कर रहा थी, मैंने एक बंदा मैसेज करता, कॉल आते कॉल मैसेज मैसेज करी जाए, ठीक है। मैं व्हाट्सएप नंबर दिता ते कहंदा भाई वड्डा छक्का किवें मारीदा ते छोटा छक्का किवें मारीदा। मैं कहा खुदा दा ना यार, अब वड्डा छक्का की हुंदा ते निक्का की हुंदा भाई, छोटा छक्का बड़ा छक्का। मैं कहा छोटा छक्का बगैर दवाई तू ते वड्डा छक्का दवाई खा के, समझदार रस्ते सारे काफी। बट एनी हो फिकी मारी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। टेनिस बॉल टेप बॉल बैटिंग टिप्स फ्रॉम द यू नो बैटिंग टिप्स भी कह सकते हैं, बॉलिंग के हिसाब से भी कोशिश करूंगा बताऊंगा। अब सबसे पहले जो आपका हथियार होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हथियार के बगैर आप फौजी बिल्कुल फजूल है। तो अब मैंने ऐसे करना तो ये था कि स्टांस पहले करता, लेकिन बैट का क्यों कर्वी होना जरूरी है। कर्व बैट्स का आपको पता है कि टेनिस बॉल में जो कर्व बैट होते हैं, मेरे पास है कोई नहीं, मैं टेप बॉल कम खेलूँ खेला हूँ, ठीक है, शुरू स्कूल के टाइम पे, उसके बाद फिर कॉलेज के टाइम में भी थोड़ा सा खेला, फिर ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, ठीक है, लेकिन इतनी नहीं खेला जितनी आप लोग खेलेंगे टेप बॉल, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पता है क्लियर है, कोशिश करूँगा आपको बताऊँ। बैट जो होते हैं ना, बैट जो कर्वी बैट आपने देखे होंगे टेप बॉल में, कुछ बैट होते हैं सीधे बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, कुछ होते हैं कर्व वाले। जो कर्व वाले बैट होते हैं ना वो क्यों बेहतर होते हैं स्ट्रेट बैट से, मैंने आला डायग्राम फुल जड़ी बना दी है, मोमबत्ती बना दी है। जो कर्व बैट होते हैं ना वो आपकी बॉल की लाइन को कवर करते हैं, स्ट्रेट बैट स्ट्रेट ही होगा, यानी आप उसको हिट करते हैं फॉर एग्जांपल, यानी आप करते हैं चौथे या पांचवें स्टंप से आपने उसको हिट मारना चाह रहे हैं और मारेंगे मिड विकेट एरिया भी, मोस्टली टेप बॉल के ये होते हैं। तो जो कर्व बैट होगा ना, क्योंकि वो आगे से कर्व हुआ होगा, आगे से ऑलरेडी कर्व होगा, तो जो बॉल की लाइन है वो ऑलरेडी उसको धकेल के मिड विकेट ले जाएगी, कोशिश करें समझने की। यानी वो कर्व हुआ है, आपने उसको बेशक यहाँ से चप्पू दे दिया है, ठीक है, यहाँ से बारी फेरी है आपने पांचवें स्टंप से, उसने आपने उसको बारी फेरनी है, आपके पास कर्व बैट होगा तो आप इजीली उसको बारी फेर देंगे। स्ट्रेट बैट होगा वो इतना दूर शॉट शायद ना लेकर जाए, लेकिन जो कर्व बैट होते हैं कर्व बैट आपको दूर से भी यानी ऑफ स्टंप के बाद भी, यानी कर्व बैट अगर आप लाइन में नहीं भी आते बॉल की तो आप दूर से उसको लपेटा मार सकते हैं। जो कर्व बैट होते हैं वो बॉल की लाइन को खत्म कर देते, क्यों, क्योंकि उनका डिजाइन बना होता है कर्वी स्टाइल में, कर्व बना होता है। अब यहाँ का कर्व बना हुआ है तो बॉल आगे लगेगा तो ऑटोमेटिकली धकेल देगा उसको उधर आपकी लेग साइड पर, समझ आ गई, अंडरस्टैंड ये चीज़ है कि इसलिए कर्व वाले जो बल्ले होते हैं ना टेप बॉल के वो ज़्यादा बेहतर होते हैं स्ट्रेट बैट से, एक चीज़। अब हम स्ट्रेट आते हैं कि स्टांस ऑफ द बैट्समैन, जो बैट्समैन का स्टांस होता है टेप बॉल में, आपने मोस्टली टेप के देखे होंगे पाँव जोड़ के ऐसे खड़े होते हैं, हम तरह गेंद करा पुत्र मैं सटा मिट विकेट देख, ठीक है, उनका स्टांस बिल्कुल यानी ये स्टाइल होता है मोस्टली। मैंने टेप बॉल की बड़ी वीडियोज़ देखता था फेसबुक के पेज में, यूट्यूब पे, ठीक है, टिकटॉक पे। अब उनका स्टांस मोस्टली इसमें क्यों होता है, ये क्यों होता है आप मुझे बताओ, क्योंकि नेचुरली एक राइट हैंडर का टारगेट एरिया ये है फ्लो के साथ मिड विकेट या ये सामने वाला एरिया, ठीक हो गया, तो वो डिपेंड करता है टारगेट के ऊपर। तो स्टांस ऑफ द बैट्समैन डिपेंड्स ऑन द टारगेट एरिया, और टारगेट एरिया क्या है, टारगेट एरिया आपका ये मोस्टली टारगेट एरिया में आपके हिट लगेंगे सामने से लेकर ये लेग साइड तक, जो मैंने लगाया लॉन्ग ऑफ से लेकर डीप स्क्वेयर लेग तक। यानी डीप स्क्वेयर लेग क्या होता है, जो आप लेग साइड पर अंपायर होता है वहाँ, और जो लॉन्ग ऑफ सामने होती है, ठीक है, अंपायर से जो लॉन्ग मिड ऑफ वहाँ से लेकर ये वाला एरिया आपका, तो ये एक्स्ट्रा कवर पॉइंट ये ऑफ साइड जो है ना मोस्टली ब्लॉक ही होती है, जो यार एक तस्मा खोल गया, मोस्टली ऑफ साइड आपकी ब्लॉक होती है टेप बॉल में। तो अगर बॉलर के हिसाब से देखा जाए तो बॉलर्स को चाहिए कि वो ऑफ स्टंप पे बॉलर्स यानी टेप बॉल वालों को, जो बैट्समैन है उनको ऑफ यॉर्कर मारे, ऑफ ही यॉर्कर, क्योंकि उसको देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, उसको ऑफ स्टंप पे दें, क्योंकि यहाँ से अगर आप फॉर एग्जांपल एक टेपी है अगर वो खड़ा होता है ऐसे, अब उसका ऑलरेडी स्टांस ओपन है तो उसकी कोशिश होगी कि जो भी उसको मिले वो उसको लपेटा दे सामने, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी सी वाइड के पास अगर आप यॉर्कर कर सकते हैं, अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी है तो उसको वहाँ पर बीट कराएं, क्योंकि वो इधर से उसके लिए अगर पेस है आपकी तेज तो मारना थोड़ा मुश्किल होगा, और इधर आपकी इतनी शॉट लगती भी नहीं, हाँ जिनकी क्लाइया बहुत तेज़ है, ठीक है, बहुत तेज़ है, वो यहाँ से उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी इसको यहाँ से उठाना आपकी बैक लेग बहुत स्ट्रांग होगी आप, यानी इतनी स्ट्रांग होगा आप यहाँ से उठाएं, इधर से आप उसको उठाएं तो फिर आप जो है ना कवर वाला एरिया कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली बैट्समैन बीट होते हैं ऑफसाइड के बाहर, ठीक है। तो वो ज़्यादा जो हॉट बॉल खेलते हैं प्लेयर उनकी ये वाली साइड स्ट्रांग होती है, तो इसलिए बॉलर के पॉइंट से कि वो ये करे कि ऑफ साइड, तो फिर प्लेयर क्या करे, बैट्समैन क्या करे, वो विकेट को थोड़ा कवर अप करके खेले, क्यों, अब वो विकेट को कवर करके खेलेगा तो उसके पास अगर वो ऑफ साइड पे भी होगी वाइड तो वो वाइड को भी वहाँ से मार देगा सामने, लपेटा दे देगा सामने, ठीक है। तो इसलिए बैट्समैनों का स्टांस अक्सर जो है ना वो डिपेंड करता है उनके टारगेट एरिया के ऊपर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बैट्समैन और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बॉलर, वो कोशिश करे कि उसको उधर खिलाए या यॉर्कर कर सकते हैं, क्योंकि यॉर्कर ही एक ऐसी पॉइंट होता है जहाँ से बचत हो सकती है, लेकिन मैं मोस्टली प्लेयर्स पे पाँव जोड़ के इसलिए खड़े होते हैं ताकि वो यहाँ से दें बैट्समैन को धोनी स्टाइल हेलीकॉप्टर स्टाइल, ठीक है, वो फिर उनका कोशिश होती है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि बैट स्पीड इंपॉर्टेंट क्यों है टेप बॉल के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टेप बॉल में आप बैटिंग ऐसे इस स्टाइल से खेलते रहेंगे, ठीक है, तो अक्सर आपकी बैट स्पीड अगर स्लो होगी ना तो फास्ट बॉलर टेप बॉल में बॉल बहुत तेज़ आती है, टेप बॉल जो है ना उसकी पेस ज़्यादा तेज़ है, और इसमें बैट स्पीड मैटर इसलिए करती है कि हॉट बॉल में अगर आप बैट स्पीड तेज़ भी हो और अगर आपकी बैट स्पीड हॉट बॉल में स्लो भी हो ना तो आप फिर भी टाइमिंग से खेल लेते हैं, यहाँ पे टेप बॉल में टाइमिंग वाले छक्के नहीं लगते अनफॉर्चुनेटली, यानी वो छक्के छोटे छक्के लगेंगे या हो सकता है कैच आउट हो जाए, यहाँ पे टाइमिंग बहुत कम चलती है, यानी आप टाइमिंग से मारते नहीं हैं, ठीक है लग जाती है अच्छी लगती है, लेकिन एक जोर वाला छक्का टेप बॉल में वो आपकी बैट स्पीड से ही आएगा, कि आपकी बैट स्पीड आपने देखी होगी ये रखी होती है उन्होंने बैट, ठीक है, ये टेप बॉल खड़े हुए यहाँ सीधी है उन्होंने इधर, ठीक है, आपकी बैट स्पीड
ये तेज करेंगे, एकदम ही मारेंगे तेज, ठीक है, एकदम ही आपकी बैट स्पीड तेज, क्योंकि बैट का वेट ऑलरेडी हल्का होता है, इसलिए मैटर करती है बैट स्पीड रादर देन द बैक लिफ्ट। आप बैक लिफ्ट इधर भी रखते हैं तो आपको यहाँ से भी तेज बैट स्पीड जनरेट, इधर रखते हैं तब भी आपको तेज जनरेट करनी पड़ेगी, इधर बैट रखते हैं तब भी आपको बैट स्पीड तेज रखनी पड़ेगी, इसलिए टेप बॉल में बैट स्पीड का तेज होना बहुत बहुत मस्ट है। उसके बाद स्विच चांस शुड बी गुड, अगेन डिपेंड करता है कि बॉलर अगर आपको राउंड द विकेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपको इधर खिलाएगा, वाइड साइड पे खिलाएगा, ताकि आपको क्रॉस ना लगे। बॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका राउंड आर्म एक्शन है या हाई आर्म एक्शन है तो आप राइट हैंड बैट्समैन को इधर रखो, ज़्यादातर वो वाला एरिया उसके लिए मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको फील्डर वहाँ पे खाली दो, लेग साइड पे उसको खुला छोड़ दो, उस साइड पे डीप स्क्वायर लेग पे, ठीक है, उसको कहो कि वो आपको इस साइड पे मारे, लेकिन अब आपने बॉल उसको इधर खिलानी है, सामने फील्डर रख लो, इधर सारे फील्डर रख दो, इन केस मिस शॉट लगता है तो कैच आउट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो सियाना बैट्समैन होगा वो फिर सामने आपको देगा, सामने कहता है उसको पता होगा यार इसने लेग साइड खाली रखी है मुझे इधर करेगा, ठीक हो गया। तो स्टांस अगेन डिपेंड करता है आपके अपने स्टाइल के ऊपर, तो ना ज़्यादा साइडवेज हो, क्योंकि जब आप साइडवेज खड़े होंगे टेप बॉल में तो टेप बॉल में साइडवेज नहीं चलते, नहीं चलते मोस्टली नहीं चलते होंगे, जो मार लेते हैं उनका अपना स्टाइल है, लेकिन साइडवेज साइडवेज में आपकी सारी ऑफ साइड चलती है, अब ऑफ साइड टेप बॉल में इतनी होती नहीं है, आपका सारा एरिया ये वाला होता है, ठीक है, आपने वो टेप बॉल में वो वीडियो देखी होगी आसिफ अली की, ठीक है, उसका स्टाइल भी जो है ना वो ओपन स्टाइल है, यानी ना ज़्यादा साइडवेज है ना ज़्यादा टू ओपन है, लाइक मिक्स है बिटवीन, तो वो मिक्स स्टांस जो है ना वो बढ़ गया, तुम्हें जो मिक्स स्टांस है ना वो सबसे बेस्ट है, यानी ये स्टांस आउट बॉल में ये चलता है, टेप बॉल में थोड़ा सा ये है, तो डिफरेंस है टेप बॉल में और हॉट बॉल में खेलेंगे, ठीक है, तो बढ़ गया तुम्हें, तो बेस्ट ये है कि आप इस स्टांस में खड़े हो थोड़े पाउंड क्लोज करके, ठीक है, फिर देखें कि आपकी मिस्टेक क्या आ रही है, आया क्लोज पाउंड से आपसे हिटिंग प्रॉपर लग रही है, क्योंकि क्लोज पाउंड करेंगे तभी आपको थोड़ा सा पाउंड निकालना पड़ेगा छोटे पाउंड, और छोटे कदम क्यों, बैट्समैनों के टेबल में छोटे कदम इसलिए होते हैं कि बॉल तेज आती है, जिसना हॉट बॉल में मैंने आपको बताया ना कि जो फास्ट बॉलर होता है उसके लिए स्टांस छोटा रखो ताकि बॉल खुद आए आप उसको मारो, टेप बॉल में भी है कि आप ज़्यादा स्टांस खुले रखोगे ऐसे तो फिर तो आपके पाँव में गिटों में माता रहेगा और आपके बोल्ड होने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं और बीट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि टेप बॉल में बेसिकली बीट नहीं होना होता, आपने स्कोर कंटिन्यू रखना पड़ता है, 5 ओवर की गेम होगी 6 ओवर की होगी इतनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, 3 ओवर 4 5 ओवर इतनी होती है, ठीक है, तो फिर इसके लिए स्टांस बेस्ट ये है कि आप स्टांस थोड़ा सा क्लोज पाउंड से रखो और बॉल को आने दो, बॉल को आने दो, वेट करो और दो उसको यहाँ से, शफल करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो ठीक है, नहीं करते बेस्ट ये मिडिल स्टंप पे खड़े हो जो, मिडिल स्टंप या ऑफ स्टंप पे खड़े हो जो, जो प्रोफेशनल टेपियों का स्टाइल बता रहा हूँ, वैसे तो बिल्कुल विकेट के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन वो गेम डिपेंड करेगा जब आस्ते आस्ते आप अपनी गेम बिल्ड करेंगे, ठीक है, स्टार्ट कर लो क्रीज के अंदर खड़े हो जो, अब क्रीज के अंदर क्यों खड़े होते हैं, अगेन वही कि पेस थोड़ी उनको टाइम ज़्यादा मिल जाए, टाइम ज़्यादा मिलेगा तो हिट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि एक चीज़ क्रीज के अंदर खड़े होना, फिर एक दूसरी चीज़ आपको स्टांस ओपन होना, मिक्स होना, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, डीप इन द क्रीज, स्टांस ओपन, बैट स्पीड तेज, ये तीन चीज़ें होगी टेप बॉल में, तीन चीज़ें होगी, डीप इन द क्रीज, विकेट क्लोज टू द विकेट, ओपन स्टांस, बैट स्पीड तेज होगी, आपका सामने वाला एरिया तेज है दो सामने वो एक अच्छा बैट्समैन होगा मोस्टली उसकी, यानी बैटिंग स्किल्स ज़्यादा तेज होंगे, तो ये 3-4 टिप्स हैं, अगर आप इसको यूटिलाइज करेंगे टेप बॉल में तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, शॉट बॉल आपको मिलेगा तो आपको जरूरत ऑटोमेटिकली लगेगा, और दूसरा ये बात जो मैंने आपको बताई थी कर्व बैट, तो ये छोटी सी टिप्स थी बैटिंग टिप्स टेप बॉल में कि टेप बॉल कैसे खेलते हैं, कैसे यानी आप उसको बैट्समैन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, टेस्ट करना और बताना मुझे कि टिप्स ठीक थी, अगर गलती होगी तो माजद, अगेन तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, ओवर एंड आउट फ्रॉम क्रिकेट विद मुझी।